Hello students, I am Brijesh and today I am going to teach you the very first chapter of your prescribed book First Flight. आपका पहला जो चैप्टर है उसका नाम है Elected to God. Written by G.L. Fuentes. G.L. Fuentes. तो बच्चों ये जो राइटर हैं मैक्सिकन राइटर हैं. मैक्सिकन मीन्स मैक्सिको कंट्री के राइटर हैं और ए लेटर टू गॉड जैसा कि आपको इस लेसन से पता चलता है कि यह पत्र जो है ईश्वर के नाम से लिखा गया है. तो इस चैप्टर में आपको दो बातें देखने को मिलेंगी बच्चों. पहला चीज़ क्या है? पहला चीज़ है कोई भी व्यक्ति अगर ईश्वर में आस्था रखता है विश्वास रखता है तो उसकी यह बड़ी आस्था होती है कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करता है ईश्वर से. सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी आस्था कि वह सीधे और सीधे भगवान से पत्र लिखता है, पत्र का आदान प्रदान करता है. ऐसी आस्था दुर्लभ होती है बच्चों. तो इस वीडियो में है आपको पढ़ाने वाले हैं रिलेटेड टू गॉड की समरी. ठीक है बच्चों, तो देखिए तो G.L. Fuentes जो है एक महान मैक्सिकन राइटर हैं और इस जो ये लेसन है रिलेटेड टू गॉड इसमें दो चीज़ों का पता चलता है हमको. पहली चीज़ क्या है बच्चों? पहली चीज़ है फैथ, ईश्वर के प्रति आस्था. और दूसरी जो चीज़ हमको देखने को मिलती है वो लेसन के लास्ट में देखने को मिलती है ह्यूमन टेंडेंसी. ह्यूमन टेंडेंसी का मतलब यही होता है कि भलाई करो तो भी बुरा, यानी अंत में लेंचों की मदद होती है और मदद करने वाले इंसानों को ही लेंचो भला बुरा करता है, उनको बेईमान तक कर डालता है. तो इस तरह से इस लेसन में दोनों चीज़ों को हम समझाएंगे, लेकिन पहले हम आपको इस लेसन की समरी बताते हैं. तो एक्चुअली जो ये लेंचो है ऐसे नाम भी आपको साउथ अमेरिकन इसको जो इसको हम बोल सकते हैं लैटिन अमेरिकन अमेरिकन कंट्रीज़ के जो नाम होते हैं इस तरह के ही होते हैं. तो लेंचो जो है एक लैटिन अमेरिकी कंट्री है मेक्सिको, वहाँ का उसी के आसपास का क्षेत्र है जहाँ जहाँ का निवासी लेंचो है. चूँकि राइटर भी मैक्सिकन राइटर है तो ये जो लेंचो है एक फार्मर है. तो हम पॉइंट वाइज आपको इसको समझाने वाले हैं, ध्यान से दीजिएगा. यहाँ पर आपकी समरी स्टार्ट होती है. इस समरी में पहला जो पॉइंट है लेंचोज हाउस एंड क्रॉप. तो लेंचो लेंचोज हाउस का मतलब होता है बच्चों लेंचो का घर एंड क्रॉप और फसल. तो जो लेंचो का घर और फसल है उसके बारे में बात करते हैं. लेंचो का जो घर है उसका घर एलोन मतलब अकेला घर है, वह भी पूरे वैली में. वैली आपको पता है बच्चों क्या होता है ना? वैली, वैली को हम कहते हैं घाटी. घाटी क्या होती है? माउंटेन रेंजेस, दोनों ओर पर्वत की श्रृंखलाएं होती हैं, बीच में जो नदियां बहती हैं और नदी के दोनों जो साइड्स होते हैं उसको लेकर के जो नाम बनता है वह वैली होता है, उसी को हम वैली कहते हैं. तो नदी दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में जो नदी बहती है और जो उसके किनारे होते हैं उसको हम वैली कहते हैं. वैली का मतलब घाटी. तो घाटी जो होती है तो उसका जो घर है वह घाटी में अकेला है, वो भी ऑन ए लो माउंटेन, छोटी पहाड़ी पर, ऑन द क्रेस्ट. तो क्रेस्ट का मतलब क्या होता है ये बता देते हैं आपको. क्रेस्ट का मतलब होता है चोटी, पीक, जिसको हम बोलते हैं पीक. पीक मीन्स चोटी. तो उसकी जो उसका जो घर होता है वह एक छोटी पहाड़ी के क्रेस्ट पर होता है, यानी उसकी चोटी पर होता है. तो लेंचो का घर वहाँ पर होता है लेकिन उसका घर उस घाटी में अकेला है. तो नितान्त अकेला घर होता है उसका. दूसरी बात होती है क्रॉप की, कैसी फसल है उसकी. लेंचो का जो फसल है ना बहुत अच्छा है, फसल उसकी बहुत अच्छी है, लेकिन वन थिंग इज नीडेड बैडली टू हिज क्रॉप. जो एक चीज़ चाहिए थी उसके फसल के लिए वो क्या थी? एक रेनफॉल, एक वर्षा या एक शावर भी चलेगा. तो एटलीस्ट वन रेनफॉल उसके लिए चाहिए जिसकी वह आशा करता है. उसको आशा है लेंचो को कि ईश्वर बारिश करा देता या कराएगा जिससे उसकी फसल अच्छी हो जाएगी. तो यह थी उसकी उसके घर के बारे में और उसकी फसल के बारे में. तो उसको आशा है कि परमात्मा वर्षा कराएगा और उसकी फसल अच्छी जाएगी. सेकेंड पॉइंट चलते हैं. इट स्टार्ट्स रेनिंग.
वर्षा का आना कैसे आता है? वर्षा शाम का खाना उसकी पत्ती बना रही होती है, इसको हमने इसमें देखा है सपर के नाम से। सपर का मतलब होता है शाम का भोजन। तो शाम का भोजन जो है लेंचो की पत्ती बना रही होती है। लेंचो फ्रॉम द, लेंचो जो है वह स्काई को देखता है, फ्रॉम द नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तरी दिशा से वह आसमान को देखता है, बादल घिरे हुए हैं। लेंचो आशा कर रहा होता है कि वर्षा होगी। वह अपनी इस आशा को अपनी पत्नी से बताता है और कहता है कि परमात्मा निश्चय ही वर्षा कराएगा जिससे हमारी फसल अच्छी हो जाएगी। तो इसमें जैसा उसने आशा किया था वर्षा होनी शुरू भी हो गई, हवाएं बहनी शुरू हो गई, वर्षा आई, रेनफॉल होना शुरू हुआ। और जो थर्ड पॉइंट है, हेल स्टॉर्म एंड लॉस देयर फ्रॉम, यानी ओले गिरना। हेल स्टॉर्म को हम क्या बोलते हैं? ओले। जब बारिश होती है, हम लोगों के यहाँ भी जब कभी तेज वर्षा होती है तो कभी कभी हम देखते हैं कि वर्षा के साथ पत्थर भी गिरते हैं, उसी को बच्चों को कहते हैं हेल स्टोन्स। तो जो हेल स्टोन्स होता है वो क्या होता है, फसल पर गिरते हैं अगर वो, जिसको बुक में फ्रोजन पल्स कहा गया है। फ्रोजन पल्स यानी कि आप लोगों ने भी देखा होगा, पल्स मीन्स मोती होते हैं, तो मोती जो होती है राउंड सी होती है, वाइट सी, तो फ्रोजन का मतलब यहाँ पर जमा हुआ, और पल्स मीन्स मोती, जिसको आप कह सकते हैं जमे हुए मोती। तो इसका मतलब होता है यहाँ पर फ्रोजन पल्स को हेलस्टोन का नाम दिया गया है, यानी हेलस्टोन ही है जिसको फ्रोजन पल्स के रूप में कहा गया है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो हेलस्टॉर्म होता है जो गिरता है, तो यह बारिश के साथ गिरना शुरू हो जाता है। अभी इसके पहले लेंचो खुश था कि चलो बारिश हो रही है, वो बाहर जाता भी है वर्षा का आनंद लेने के लिए। अपने शरीर पर जब उसको वर्षा की बूंदें गिरती हैं ना, उसको बड़ी सुखद अनुभूति होती है, बहुत प्रसन्न होता है वह। वह यहाँ तक कर डालता है कि जो बड़ी बूंदें हैं वो बड़े सिक्के जैसे हैं, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो छोटे सिक्के जैसे हैं। इतनी खुशी होती है उसको, उसके जो ओल्ड चिल्ड्रेन हैं या एल्डर चिल्ड्रेन हैं वो जाके खेतों में काम करते हैं, और जो यंगर चिल्ड्रेन हैं बाहर खेलते रहते हैं, वे बच्चे भी वर्षा का आनंद लेते हैं। लेकिन कुछ देर बाद ही लेंचो देखता है कि उसका जो फसल है उसके ऊपर हेलस्टोन की बारिश होती है, और पूरा फसल क्या होता है बच्चों, नष्ट हो जाता है। लॉस देयर फ्रॉम, पूरी फसल जो होती है ना नष्ट हो जाती है। और कुछ ही देर में लगता है कि जो हेलस्टोन गिरे हैं उसके फसल के ऊपर वह सफ़ेद चादर जैसे बिछ गए हैं। द फील्ड इज कवर्ड विथ साल्ट, ऐसा लगता है कि पूरे नमक से ढक गए हैं। तो इस तरह से उसका जो फील्ड है वह कवर्ड हो जाता है हेलस्टोन से, यानी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, लेंचो राइट्स टू गॉड। तो लेंचो जो है, जैसा पहले मैंने बताया कि लेंचो को एकमात्र आशा है अ सिंगल होप फ्रॉम द गॉड, और वो सिंगल होप क्या है, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी ईश्वर से सहायता। तो उसकी ये आशा बहुत ही बलवान है। वह जानता है कि परमात्मा कभी किसी को भूखे नहीं मारता, या कभी कोई भूखा नहीं मरता, ऐसी उसकी आस्था है ईश्वर में। तो उसको सहायता की आशा है कि भगवान उसकी मदद करेंगे, इसलिए वह सोचता है कि क्यों न वह ईश्वर को एक पत्र लिखे। तो यहाँ पर ऐसा है लेंचो राइट्स टू गॉड, इसका मतलब है कि जब उसको ईश्वर से सहायता की आशा है तो वह ईश्वर को पत्र लिखेगा, उनसे सहायता मांगेगा, क्योंकि उसको पता है कि पूरे वर्ष भर खाने के लिए उसके घर में अनाज नहीं होगा, अगली फसल बोने के लिए उसके पास बीज नहीं होगा। ऐसे हालत में वह ईश्वर से मदद मांगेगा कि उसकी ईश्वर मदद करें जिससे उसके परिवार वाले साल भर भरण पोषण कर सके, जी सके, खा सके। तो इसलिए वह जो है ईश्वर को पत्र लिखने का ख्याल अपने मन में लाता है बच्चों। इसके बाद जो पांचवा आपका पॉइंट है वह है पोस्टमास्टर कलेक्ट्स मनी फॉर लेंचो। इसमें क्या होता है कि अगले संडे को लेंचो जाता है पोस्ट ऑफिस, वह एक लेटर लिखता है, और उसके बाद उसको
पत्र पेटीएम डालता है, मेल बॉक्स में डाल देता है। और जब वह लेटर एक पोस्टमैन निकालता है तो वह पढ़ता है, उसमें पहले उसने देखा कि इस पर लिखा हुआ है गॉड का पता, तो उसकी बड़ी इच्छा होती है कि क्या है इस पत्र में, सीधा भगवान को ही पत्र लिखा गया है। वह पत्र खोल करके पढ़ता है और जब वह पत्र पढ़ता है लेंचो का, तो उसको बड़ी हंसी आती है। उसको हंसी भी आती है और वह पोस्टमास्टर जो होता है उसको वह पत्र दिखाता है। पोस्टमास्टर, जैसा कि इस लेसन में बताया गया है, एन एमिएबल पर्सन है। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, बहुत ही मैत्रीपूर्ण ढंग का वह पोस्टमास्टर होता है। और फैट सा बताया गया है, मोटा सा, लेकिन वह एक अच्छा इंसान है। तो ये जो पोस्टमास्टर बच्चों, ये देखता है उस लेटर में कि उसका जो आस्था है लेंचो का, वह इतना बड़ा आस्था है कि वह सीधा ईश्वर से कॉन्टेक्ट करना शुरू कर दिया है। ईश्वर को बिना किसी पते का, बिना किसी मेल की जानकारी के, वह ईश्वर को ही सीधा लेटर लिख रहा है। तो पोस्टमास्टर सोचता है कि काश ऐसी आस्था उसके पास भी होती, ईश्वर में ऐसा प्रगाढ़ विश्वास उसका भी होता। फिर कुछ देर बाद, पहले तो पोस्टमास्टर हंसता है, लेकिन तुरंत ही कुछ देर बाद सीरियस हो जाता है, गंभीर हो जाता है, और वह सोचता है कि क्यों इस पत्र का जवाब दिया जाए। तो पोस्टमास्टर जो है, जब आगे पत्र पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि इस पत्र में जो हेल्प मांगी गई है ईश्वर से, वो पैसे के रूप में मांगी गई है। तो उसने देखा कि लेंचो ने 100 पेसोस के लिए उसमें लिखा हुआ है। पेसोस क्या होता है? यह जो पेसोस होते हैं, यह मेक्सिको की एक करेंसी है, वहाँ की मुद्रा का नाम है पेसो। तो उसने देखा कि 100 पेसोस मांगे गए हैं लेंचो के द्वारा। वह क्या करता है कि अपने मित्रों और जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ थे पोस्ट ऑफिस के, उनसे वह कहता है कि थोड़े थोड़ा जो है सब लोग अपने तरह से कुछ कुछ पैसे का योगदान करें, जिससे इस व्यक्ति, जो ये व्यक्ति है लेंचो, वह निराश न हो, उसका विश्वास न टूटे ईश्वर से या ईश्वर के प्रति। तो इस भावना को प्रबल बनाने के लिए वह अपने एम्प्लॉयज़ और अपने फ्रेंड से थोड़ी धनराशि देने की प्रार्थना करता है। तो इसके बाद उसने कुछ पैसे जुटाए, लेकिन यह पैसे उसने केवल 70 पेसोस तक ही जुटा पाया हुआ। इसके बाद क्या करता है कि नंबर 6 पॉइंट है बच्चों, मनी सेंड टू लेंचो, यानी लेंचो को वह पत्र लिफाफे में जो पत्र है उसके साथ 70 पेसोस रख करके भेज दिए जाते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर पोस्टमास्टर जो है, उसके विश्वास को न तोड़ने के इरादे से, उसकी आस्था को न डगमगाने के आशय से, उसके विश्वास को बनाए रखने के आशय से, पैसे जो हैं, जिसको करेंसी जो वहाँ की है पेसोस को इकट्ठा करता है। भले ही वह 70 पेसोस ही थे, लेकिन वह उसको भेजने का विचार करता है लेंचो के पास। इसके बाद देखिए, अगले संडे को लेंचो आता है, पोस्ट ऑफिस आता है, और लेंचो रिसीव्स द मनी। तो लेंचो जब पोस्ट ऑफिस आता है तो वहाँ वह पूछता है कि क्या वह उसके पास कोई पत्र आया है उसके नाम से। तो पोस्टमैन उसको पत्र देता है, बताता है कि हाँ, यह पत्र है जो ईश्वर के पास से आया है तुम्हारे लिए। तो लेंचो निकालता है उसमें जो है, लेकिन उसको जो पत्र मिलता है फ्रॉम गॉड, उस पत्र को देखकर उसको जरा सा भी आश्चर्य नहीं होता बच्चों। क्यों? यह उसका विश्वास था, उसको आशा थी कि ईश्वर उसकी मदद करेंगे, इसलिए वह जरा सा भी विचलित नहीं होता, जरा सा भी उसको आश्चर्य नहीं होता। वो सोचता है ये तो बहुत साधारण प्रक्रिया है, उसका सीधा ईश्वर से कॉन्टेक्ट है। तो वो क्या करता है कि पैसे गिनता है। कुछ देर में ही हम देखते हैं कि पैसे गिनते गिनते चाहक को गुस्सा हो जाता है। ही बिकम्स एंग्री वेन ही काउंट्स द मनी बिकॉज देयर वर ओनली 70 पेसोस इन द एनवेलप। तो उसने 70 पेसोस को देखते हुए उसके अंदर गुस्सा आया, और उसके बाद लेंचो अगेन राइज टू गॉड। तुरंत ही लेंचो का मन हुआ कि फिर एक पत्र वह लिखेगा। उसने तत्काल एक दूसरा पत्र लिखा और उसने फिर उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। तो उसको जो इसने पत्र लिखा, इसलिए लिखा कि उसको पैसे तो मिल गए हैं, लेकिन केवल 70 पेसोस ही मिले हैं,
जो उसके लिए कम थे उसको 100 पीसेस की आवश्यकता थी, इसलिए उसने दोबारा पत्र लिखा और मेल बॉक्स में डाला। तो अब जो है, जब लेंचो ने दोबारा पत्र ईश्वर के नाम से लिखा तो पोस्टमास्टर ने फिर पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था लेंचो ने कि ईश्वर भगवान परमात्मा, आपने जो पेसोस दिए हैं ये सिर्फ 70 पेसोस ही हैं, मुझे तो 100 पेसोस की आवश्यकता थी। मुझे पता है कि आप गलती नहीं कर सकते, ज़रूर ये जो कर्मचारी हैं ना, इन लोगों ने ले लिया होगा, निकाल लिया होगा उसमें से। तो लेंचो यह भी कहता है उस पत्र में कि अगली बार जब आप पत्र भेजिएगा या पेसोस भेजिएगा तो मुझे मेल के माध्यम से मत भेजिएगा, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजिएगा, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं ना, लेंचो कॉल्स पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज क्रुक्स। क्रुक्स का मतलब बच्चों होता है बेईमान। वो कहता है कि जो ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारीगण हैं, ये बेईमान हैं, ये पैसे लेके खा जाते हैं। तो आप प्लीज़ भगवान, आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा मुझे पत्र और पैसे मत भेजिएगा, ऐसा लेंचो अपने अगले पत्र में लिख कर उसको मेल कर देता है, मेल बॉक्स में डाल देता है। तो हमने देखा कि जो ह्यूमन टेंडेंसी है, मनुष्य की जो भावनाएं हैं, वह किस तरह से, जैसे एक कहावत है ना कि अच्छा करो तो भी बुरा हो जाता है, भलाई का ज़माना नहीं है, तो वही बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि भलाई करते भी हैं लोग तो भी उनको बुरा सुनने को मिलता है। तो हमने देखा कि दो चीज़ें इस लेसन में दी गई हैं जो इस लेसन को एक दिशा की ओर ले जाती हैं। उसमें एक ह्यूमन टेंडेंसी है, दूसरा है ह्यूमन फैथ टुवर्ड्स गॉड। तो इस लेसन को अभी हम आगे अगला स्टेप ले जाएंगे बच्चों, आपको समझाने के लिए वर्ड मीनिंग के थ्रू, जिसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाले हैं, उसको भी आप जरूर देखिएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, अगर आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स।